हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड यूरिन एनालिसिस। इस वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे। ये जो यूरिन है हमारा, उसके कौन कौन से केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ टेस्ट लिखे हैं, जैसे कि नेम ऑफ टेस्ट। सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटीन में हम एल्ब्यूमिन चेक करते हैं। सेकेंड ग्लूकोज यानी शुगर। थर्ड ब्लड, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कीटोन बॉडीज, यूरोबिलिनोजन एंड ऑर्फोबिलिनोजन। ये 8 टेस्ट हम केमिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसकी राइट प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से हमें एग्जाम में उसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास में हमें किस तरह से लिखना है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, सेकेंड मेथड, उसका प्रिंसिपल, उसका प्रोसीजर, उसका ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इस वे में हमको एग्जाम में लिखना पड़ता है। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, सबसे पहले हमने लिखा ऑब्जेक्ट ना, हम पढ़ेंगे प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन टेस्ट लगा रहे हैं। सबसे लिखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, इसी तरह से लिखना है आप सबको। सेकेंड है मेथड, कौन सी मेथड्स यूज कर रहे हैं, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रोटीन्स आर कोगुलेटेड बाय हीट इन एसिटिक यूरिन एंड डू नॉट डिजॉल्व ऑन एसिडिफिकेशन। फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स आर आल्सो प्रेसिपिटेटेड बाय हीट एंड डिजॉल्व इन एसिड। इसका मतलब यह है कि जब हमारी यूरिन में प्रोटीन्स प्रोटीन्स अगर प्रेजेंट है तो उसको हीट करने पर यह कोगुलेट फॉर्म में प्रेजेंट हो जाती है, कोगुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट दिखती है। ठीक है, एंड डू नॉट डिजॉल्व ऑन एसिडिफिकेशन, यानी कि यूरिन में हम एसिडिक एसिड उसमें डालेंगे तो एसिडिफिकेशन के कारण भी डिजॉल्व प्रोटीन नहीं होता है। और उसके साथ ही फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स भी हीट करने पर प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो वह डिजॉल्व हो जाता है। इस तरह से हम इसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट, टेस्ट ट्यूब, एसिटिक एसिड, बर्नर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड यूरिन सैंपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया। क्या है प्रोटीन, जैसे कि एग होता है, हम लोग एग खाते हैं तो एग का लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हीट करते हैं, बॉईल करते हैं तो वह जम जाता है, तो वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। इसी तरह अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो हीट करने पर वह जम जाती है, मतलब कोगुलेट फॉर्म में ना, ऐसे दही होता है कोगुलेटेड कर्डी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके साथ ही कार्बोनेट्स फॉस्फेट भी प्रेजेंट होते हैं कर्डी, मतलब कोगुलेट फॉर्म में, ये भी दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही हम एसिडिक एसिड ऐड करेंगे तो है डिजॉल्व हो जाता है, कार्बोनेट्स और फॉस्फेट आपको नहीं दिखेंगे। अगर प्रेजेंट है तो प्रोटीन आपको सिर्फ दिखेगा एसिटिक एसिड डालने पर। ठीक, प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है, टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड फिल 2/3 क्लियर यूरिन। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 2/3 एरिया क्लियर यूरिन से भर लेते हैं, यानी कि 8 से 10 ml यूरिन एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। बॉयल द अपर पोर्शन ओवर ए फ्लेम, उसके ऊपर के पोर्शन को हमको फ्लेम करना है। बॉयल द अपर पोर्शन ओवर ए फ्लेम, यानी कि जो हमारा बर्नर है उसको टेस्ट ट्यूब को होल्डर से पकड़ के उसके ऊपर के पोर्शन को हमें उसको फ्लेम हीट करना है। ठीक है, और ध्यान रहे टेस्ट ट्यूब का फेस अपनी साइड ना रहे, अपने अपोजिट रहे, सामने की ओर रहे, क्योंकि हीट करने पर कभी कभी वो अपने ऊपर गिरने का डर रहता है। ठीक है, इफ प्रोटीन्स फॉस्फेट और कार्बोनेट्स और प्रेजेंट इन द यूरिन इट टर्बिडिटी डेवलप्स, यानी कि अगर हमें टर्बिडिटी शो हो रही है तो प्रोटीन्स तो फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स प्रेजेंस है। ठीक है, अब ये मालूम नहीं कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि फॉस्फेट है कि कार्बोनेट है। ठीक है, अगर टर्बिडिटी डेवलप होती है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ऐड 1 से 3 ड्रॉप्स ऑफ 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद टर्बिडिटी जैसी शो होती है तो उसमें
वन से थ्री ड्रॉप ऑफ 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करने पर अगर फॉस्फेट्स अथवा कार्बोनेट्स ऐड है तो वह टर्बिडिटी डिजर्व हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। ठीक है, अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो प्रोटीन आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर टर्बिडिटी नहीं डिजोल्व होती है, वो गायब नहीं होती है एसिड डालने पर भी, तो मतलब प्रोटीन उसमें प्रेजेंट। ठीक है, ये है इसका प्रोसीजर। इफ द क्लाउडीनेस अपीयर्स व्हाइल द ट्यूब इज हीटेड एंड डिज अपीयर्स एट बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये है यदि क्लाउडीनेस अपीयर्स शो करता है तब, जब अपन हीट करते हैं ट्यूब को, ठीक है, एंड डिज अपीयर्स एट बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक, उच्च क्वथनांक, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर जब हम उसको और हीट करेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है जब लिक्विड लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में, पूरा लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में स्टेट चेंज होती है, तो उस जो स्टेट चेंज होती है इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो डिज अपीयर्स एट बॉइलिंग पॉइंट, हीट के दौरान प्रेजेंट है और बॉइलिंग पॉइंट के दौरान या डिज अपीयर्स हो जाते हैं, गायब हो जाता है, तो इसे कहते हैं बेंस जॉन्स प्रोटीन, इट मे बी बेंस जॉन्स प्रोटीन। ठीक है, बोथ एल्ब्यूमिन एंड बेंस जॉन्स प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मल्टीपल माइलोमा, प्रोटीन एंड बेंस जॉन्स प्रोटीन मल्टीपल माइलोमा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये हम डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारे टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने यूरिन लिया है, ठीक है, इसमें हम हीट कर रहे हैं ना, अब टर्बिडिटी शो होती तो ऊपर से वो एस्टिक एसिड ऐड किया हमने, उसके बाद फिर से हमने अपर पोर्शन को हीट किया ना, अगर इसमें टर्बिडिटी क्लाउडीनेस प्रेजेंस है तो प्रोटीन है, और ये क्लियर है तो ये नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट हम स्टेप में देखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखेगा, कोगुलम फॉर्म में देखेगा, ठीक है, कोगुलेशन फॉर्मेशन में देखेगा हमें, कोगुलम फॉर्म में। रिजल्ट में हम क्या देखेंगे, रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन, अगर नेगेटिव है तो नो क्लाउडनेस, ठीक है, अगर बेरली विजिबल क्लाउडनेस, हल्का हल्का उसको दिख रहा है तो उसको हम ट्रेस देंगे। डेफिनेट क्लाउड विदाउट ग्रेनुलर फ्लॉकुलेशन, यानी कि क्लाउड है उसमें जो फ्लॉकुलेशन है उसमें ग्रेनुलर नहीं है तो 1+ देंगे, अगर हैवी एंड ग्रेनुलर क्लाउड विदाउट ग्रेनुलर फ्लॉकुलेशन है तो हम 2+ देंगे, अगर डेंस क्लाउड विथ मार्क्ड फ्लॉकुलेशन है तो उसको 3+ देंगे, थिक कर्डी प्रेसिपिटेशन एंड कोगुलेशन है तो उसको हम 4+ देंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारे जो कर्डी कोगुलेशन है क्लाउड है ना, क्लाउडी है, तो इसके मतलब फ्लॉकुलेशन ना मार्क फ्लॉकुलेशन एंड थिक कर्डी प्रेसिपिटेशन इसके डिपेंड के आधार पर हम ग्रेडिंग देते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन तो हम उसे बोलेंगे क्या, प्रोटीन यूरिया, और प्रेजेंट एल्ब्यूमिन इन यूरिन, अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे एल्ब्यूमिनूरिया। ठीक है, पहले क्या होता है, पिछले आजकल हम लेबोरेटरी में यूरिन डिप स्टिक मेथड का यूज करते हैं, जो एक स्टेप में कई सारे केमिकल एग्जाम इसके पैरामीटर्स होते हैं, उसको यूरिन में डिप करके उसका कलर चेंजेस होता है और उसकी एक स्टैंडर्ड कलर चेंजेस से रीडिंग करते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें इस तरह से नहीं लिखना है, एग्जाम में हमें इस तरह से पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दो कंडीशन में होता है, फर्स्ट होता है फिजियोलॉजिकल एल्ब्यूमिनूरिया, यानी कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारा अगर प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट है तो उसके क्यों प्रेजेंट है, क्या महत्व है प्रेजेंट होने का, है ना, तो वो सब देखते हैं। उसकी दो कंडीशन होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमें एल्ब्यूमिन देखेगा एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखेगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, लेस देन 0.5 ग्राम परसेंट, यानी कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो हमें 0.5 ग्राम ऐसे कम यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलता है। लेकिन इसके क्या है, सीवर एक्सरसाइज, अगर आपने ज़्यादा एक्सरसाइज की है, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं आप, अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन में
हमें यूरल में प्रोटीन शो करता है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल एल्बुमिनूरिया है। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल एल्बुमिनूरिया। ये तीन कंडीशन में होता है, प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल। ठीक है, प्री रीनल में इंट्रा एबनॉमिनल ट्यूमर्स, रीनल रीनल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है। पोस्ट रीनल में इन्फ्लामेशन इन द लोअर यूरिनरी, पोस्ट रीनल इन्फ्लामेशन इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब होता है हमारा केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का नेक्स्ट जो मेथड है। ये प्रोटीन की तीन मेथड यूज की जाती हैं, इनके तीन मेथड से हम लगा सकते हैं। फर्स्ट हो गया हमने सिग्निफिकेंट एसिटिक एसिड, सेकंड है हमारा सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, और थर्ड होता है हमारा हेलार्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट। इन तीन मेथड से हम यूरिन प्रोटीन लगाते हैं। कभी कभी हमें ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूरिन से ही सबसे ज़्यादा MCQS क्वेश्चन बनते हैं, कि यही पूछ लेंगे आपसे कि सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट ये मेथड है, ये किस मतलब किसके लिए यूज करते हैं, प्रोटीन, शुगर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। मेथड है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, इसका प्रोसीजर क्या है, 2 ml यूरिन टेक इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml यूरिन लेना है। एड एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, उसी इक्वल वॉल्यूम समान मात्रा में हमें सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट एसिड लेना है। मिक्स थ्रोली मिक्स करना है, अलाउ टू स्टैंड फॉर 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट के लिए उसको रखना है। ठीक है, और वेट करना है, ऑब्जर्वेशन करेंगे अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी, यानी कि उसमें हम टर्बिडिटी देखेंगे। रिजल्ट क्या देखेंगे इसका हम, अबसेंस ऑफ क्लाउडीनेस, अगर वो क्लाउडीनेस अबसेंस है, कोई टर्बिडिटी नहीं है, तो वो प्रोटीन नहीं है, अबसेंस ऑफ प्रोटीन। इफ टर्बिडिटी प्रजेंट तो पॉजिटिव और प्रोटीन, यानी कि अगर टर्बिडिटी प्रजेंट हो रही है तो हमारा ये यूरिन में प्रोटीन प्रजेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा यूरिन एग्जामिनेशन फॉर प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शुगर, यूरिन शुगर टेस्ट। ठीक है, थैंक यू।